भाजपा युवा मोर्चा उज्जैन ग्रामीण जिला महामंत्री मनोनीत होने पर संदीप व्यास का स्वागत स्थानीय आंगन होटल के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं, साथ ही में बधाई प्रेषित करने के लिए सांसद प्रतिनिधि आदरणीय राम सिंह सिपा साहब से आग्रह करूं आए और संक्षिप्त में अपनी बधाई प्रेषित करूं। सम्मान्य विधायक जी, सम्मान्य महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष साधना जी, आज बड़ा खुशी का अवसर है, लगातार दायित्व की सौगात मिल रही है और निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं उन्हें
काम करने का अवसर प्रदान होता है। इसी क्रम में माननीय संदीप जी व्यास, जिन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले का महामंत्री नियुक्त किया है, मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, माननीय हमारे आज संदीप व्यास जी को महामंत्री नियुक्त किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला विधायक जी, सांसद जी, सीएम अतुल जी और प्रदेश संगठन के सारे पदाधिकारियों को शुभकामना देता हूँ। और मैं संदीप व्यास जी को बधाई देता हूँ कि संदीप व्यास जी एक ऊर्जा के साथ अच्छे काम में लगेंगे और संगठन का विस्तार करेंगे। पूरे जिले के अंदर सीएम अतुल जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे संगठन को विस्तार करेंगे और युवा मोर्चे की ताकत को बढ़ाएंगे। भाई सीएम अतुल जी से आग्रह करूंगा वो भी बधाई प्रेषित करें। बोलो भारत माता की जय। मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय संदीप भैया को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बड़े मैं थोड़ा सा अपन लोग आगे आ जाओ ना, थोड़ा सा इधर आ जाओ, पास में रुपया थोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि वो रास्ता जाओ। बड़े ही महत्वपूर्ण जवाबदारी संदीप जी को मेरे साथ पूरे जिले भर में निर्वहन करनी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संदीप जी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिले में युवा मोर्चे के काम को बढ़ाएंगे, संगठन के कार्यों को विस्तार लाएंगे। और जिस पैनी निगाह के साथ संदीप जी को संगठन के वरिष्ठों के आदेश पर ये जवाबदारी मिली है, निश्चित ही संदीप जी इस पूरे काम को पूरी आत्मीयता के साथ और पूरी तन्मयता के साथ निभाएंगे। पुनः मैं मेरी ओर से और उज्जैन ग्रामीण के हमारे समस्त पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री संदीप जी व्यास को मैं मेरी ओर से और जिले की समस्त बहनों की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करती हूँ। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे संगठन मंत्री जी सम्मानी प्रदीप जी जोशी जी, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री श्याम जी बंसल जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सीएम अतुल जी, सांसद जी, विधायक जी, मंडल अध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, सभी के सहयोग से जो आज संदीप भैया को नेतृत्व करने का मौका मिला है, निश्चित ही एक सराहनीय कदम है। क्योंकि संदीप भैया पूर्व में भी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वे अपने अनुभव का लाभ युवा मोर्चा को अवश्य देंगे और निश्चित ही शीर्ष स्थान पर युवा मोर्चा को ले जाकर के खड़ा करेंगे। और यही नहीं, जो 2018 की हमारा नारा है 200 पार का, उसमें भी निश्चित ही युवा मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसमें सीएम अतुल और संदीप जी दोनों एक और एक 11 हो गए हैं, ये मिलकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई पर ले जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाएं के साथ युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं मंडल अध्यक्ष राजीव ठाकर साहब से आग्रह करता हूँ वो बधाई प्रेषित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सर्वप्रथम तो मैं मेरे छोटे भाई भाई संदीप जी व्यास को जिला महामंत्री बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से निश्चित तौर पर संदीप जी व्यास का लंबा राजनीतिक अनुभव है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में उन्होंने ग्वालियर शिवपुरी क्षेत्र में काम किया, युवा मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी यदि जिसे कहते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करता है। और आज जो जवाबदारी उन्हें मिली है, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। भाई अतुल नागदा से, भाई संदीप जी भले ही बनबना से हैं, पर उनकी कर्मभूमि नागदा ही रहती है और दो विधानसभाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
साथ ही दो पदाधिकारी और हमारे मूर्ति भाई और राजू भाई भी नागदा से हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में और युवा मोर्चे में नागदा को प्रतिनिधित्व मिला, वह नागदा के वजन को प्रदर्शित करता है। और मुझे पूर्ण शंका कुशंका तो है ही नहीं, पूरा विश्वास है कि संदीप जी व्यास को जो जवाबदारी मिली है वो पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हुए जिस तरीके से पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा को अभी चलो पंचायत अभियान और बूथ अभियान 11-11 सदस्यों को बनाया, उसी तरीके से आने वाले समय में भी 2018 और 2019 में भी युवा मोर्चे के कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी आने वाली है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं पुनः संदीप जी को बहुत बहुत ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नागदा नगर आपके साथ युवा मोर्चे के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और 2018 और 2019 के मिशन को हम पुनः सफलता के साथ पूर्ण करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। फिर बड़ी सौगात, बड़ी खुशी कार्यकर्ताओं को मिली है। आज हमारे अपने संदीप जी व्यास, उनको जिला उज्जैन ग्रामीण युवा मोर्चे के महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। माननीय जिला अध्यक्ष जी श्याम जी बंसल साहब, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय प्रदीप जी जोशी साहब, हमारे अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे अपने विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर चिंतामणि जी मालवीय साहब, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हमारे अपने मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी धाकड़ साहब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ। माननीय उज्जैन जिले के हमारे युवा अध्यक्ष सीएम अतुल जी के प्रति आभार मानता हूँ कि आप सबके इस चयन से नागदा नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्य को विस्तार होगा। और जैसा कि हम सब कहते आए हैं कि युवा मोर्चा पार्टी की एक बड़ी ताकत होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का काम तेज गति से बढ़ेगा। समस्त कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आज के स्वागत समारोह कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय फतेह करेंगे और फिर से मध्य प्रदेश में 200 पार हम सीटें लाएंगे ताकि हमारा मध्य प्रदेश जितना विकास की गति से आज तेज गति से विकास कर रहा और भी आगे जन जन तक विकास के कार्य पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य करने की जो क्षमता और शैली है वो जन जन के लिए एक आशीर्वाद के रूप में उपलब्ध होती है और हर योजना का 100% क्रियान्वयन इस मध्य प्रदेश के अंदर होता है। हर गरीब के लिए यहाँ पर योजनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति और वरिष्ठ नेता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आदरणीय संदीप जी व्यास जी को एक बार पुनः मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की जय। थोड़ा सा ये टेप वेप करना बंद रखेंगे तो ठीक रहेगा। पास में आइए, थोड़ा पास। विनोद जी, आजा पास में। आपको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जब भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष नागदा में हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चे के महामंत्री भी अब नागदा में हैं तो फिर नागदा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होगा। मैं संदीप को बधाई देना चाहता हूँ और अतुल को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये केवल भाजपा में ही संभव है, कांग्रेस में या अन्य राजनीतिक दलों में संभव नहीं है। अतुल ने अपनी टीम में संदीप को स्थान दिया और एक अच्छा कार्यकर्ता को अपने साथ जवाबदारी के साथ, प्रमुख जवाबदारी के साथ जोड़ा। ये निश्चित रूप से बड़े हृदय का काम है और दोनों बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल कर काम करेंगे। इसको हम भविष्य में देखेंगे और संगठन की ताकत आगे बढ़ेगी, इसको भी हम भविष्य में देखेंगे। और मैं दोनों को ये प्रेरणा भी देने चाहूँगा कि शायद यही काम आपके दोनों के व्यक्तित्व का और विकास करेगा,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेताओं की निगाहें, कितनी निगाहों से कार्यकर्ता को देखा जाता है ये उस कार्यकर्ता को एहसास नहीं होता। और आप दोनों का तालमेल, आप दोनों का सामंजस्य और आप दोनों मिलजुल कर जिस ताकत से इस संगठन को आगे विस्तारित करेंगे, निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, प्रेरणा का कारण बनेगा। आप लोगों से मिलकर जुलकर लोग काम करने का तरीका सीखेंगे, ऐसा विश्वास करते हुए आप दोनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि वास्तव में धन्यवाद अतुल को है। मैं कहूं कि थावरचंद जी साहब का बहुत बड़ा आभार, मैं कहूं प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आभार। यदि मैं इतना ही कह दूं कि सीएम अतुल को आभार और धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को बहुत बड़ा धन्यवाद और हमारे क्षेत्र के विधायक मान्यवर दिलीप सिंह जी को धन्यवाद और आभार। आपने ठीक चयन किया है, अच्छे कार्यकर्ता को संगठन में जवाबदारी के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोगों के प्रति धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। लेकिन एक निवेदन करते हुए, इस कार्यक्रम की जिसने भी संरचना की है, जिसने भी आयोजन किया, मेरी बात बुरी जरूर लगती है लेकिन उसमें प्रेम होता है, कुछ ना कुछ सिखाने की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा कहीं भी नहीं, कमल का फूल कहीं भी नहीं, और इसलिए जो लोग इस तैयारी में लगे थे उनको तैयारी के पहले सबसे पहले सोचना था कि कम से कम दो कोनों पर एक एक बीजेपी का झंडा लगाते हैं। और यहाँ पर भी अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा पीछे लिखा हुआ होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कभी कभी उत्साह में हम सोचने समझने की ताकत को कम करते हैं। और आज इस मंच से मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि उत्साह तो बहुत होना चाहिए। आप सब लोग युवा हैं तो उत्साह तो निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन उत्साह में हमारी सोचने समझने की ताकत भी पूरी की पूरी बरकरार रहे और ठीक सोच समझकर हम काम करें, पार्टी को आगे विस्तारित करें, यही संदेश आप सब लोगों को देते हुए आग्रह करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय संदीप जी को बधाई शुभकामना। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्याम जी बंसल, आदरणीय सीएम अतुल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय डॉक्टर साहब बोल रहे थे तो मैं सोचा था वो बात डॉक्टर साहब जरूर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोली, अब मैं बोल रहा हूं। जब डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी भारतीय जनता युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष थे और मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था, और उस वक्त अगर एक घंटे पहले भी डॉक्टर साहब का फोन आ जाता था कि दिलीप जी आज वहां मीटिंग है और आपको जाना है, और मैं उस स्थान पे पहुंचता था। और उसके कारण जो भारतीय जनता युवा मोर्चे को पद प्रतिष्ठा मिली उस वक्त है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 2003 के पहले जो भारतीय जनता युवा मोर्चा था और भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी, उसके पहले भी माना, एक बार जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के और माननीय पटवा जी की सरकार बनी थी तो पार्टी ये कहती थी कि सरकार बनाने में भारतीय जनता युवा मोर्चे का महत्वपूर्ण योगदान है। और जब 2002 के बाद में 2003 में हमारी सरकार बनी तो पार्टी ने खुले मन से यह स्वीकार करा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने में युवा मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए मैं आदरणीय संदीप जी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आदरणीय सीएम अतुल जी और आदरणीय संदीप जी से यही प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, एक बार पूरी ताकत लगा के, कल आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा, मात्र 2 घंटे के अंदर कल एक मंडल के 500 युवा एक मंडल के कल मात्र 2 घंटे की अल्प सूचना पे एकत्रित हो गए। आप सोच लो भारतीय जनता युवा मोर्चे की कितनी बड़ी ताकत इस विधानसभा में है। और इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इस दुनिया में जितनी क्रांति हुई है युवाओं के कारण हुई, जितनी भी दुनिया में, और इसलिए एक बार फिर मध्य प्रदेश में जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, कब की बार 200 पार, और फिर 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर सरकार बनाए, और उस सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने प्रमुख भूमिका अदा करे,
ऐसी मेरी इच्छा है। मैं पुनः एक बार संदीप जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपका एक लंबा अनुभव है, क्योंकि परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के 2 साल तक संगठन मंत्री के रूप में रहना, और वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संस्कारित संगठन के झंडे के तले रहना बड़ी बात होती है। और इसलिए उस अनुभव का लाभ लेते हुए और सेने सेने आप ऊपर बढ़े हो, आप जिले के उपाध्यक्ष और आप महामंत्री रहे हो, जिले मंडल में दायित्व तो आपके पास रहा। और इसलिए एक समय था जब 1984 के अंदर इसी स्थान के ऊपर मेरा स्वागत हुआ, जब मैं युवा मोर्चे का महामंत्री बना था, मंडल का महामंत्री बना था, और मंडल के महामंत्री से प्रदेश के उपाध्यक्ष तक का, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना कि कई निगाहों से भारतीय जनता पार्टी देखी, कई निगाहों से। और इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में 3-3, 4-4 बार माननीय थावरचंद जी को स्थान मिलता है, तो लुपेटा जैसे गांव से निकल के और हिंदुस्तान की राजनीतिक में धूमकेतु की तरह छा जाना अपनी योग्यता अपनी क्षमता के बल पर। और इसलिए आप में योग्यता आप में क्षमता है, उस योग्यता और क्षमता का पूर्ण दोहन करते हुए, पूर्ण क्षमताओं के साथ काम करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, युवा मोर्चे के अपेक्षाओं पे आप खरे उतरेंगे। पुनः मैं संपूर्ण संगठन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और संदीप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भाई संदीप जी यहाँ से आग्रह करो, हमें आए बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे मित्रों द्वारा इस स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए एक कार्यकर्ता का सम्मान होना, ये बड़ी मुझे तो गौरव लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत संघर्ष है। राजनीति में मुझे काम करते हुए माननीय भाई साहब ने जैसा बताया कि 2 बार 2 साल में विद्यार्थी परिषद पूर्णकालिक रहा, उसके बाद 2 बार युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद आप सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण में जिले में महामंत्री का दायित्व मुझे पार्टी ने सौंपा है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम शीर्ष नेतृत्व का और हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्याम बंसल जी का, संभागीय संगठन मंत्री प्रदीप जोशी जी का, हमारे सांसद आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी का, आदरणीय थावरचंद जी का, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी का, हमारे महतपुर के विधायक बहादुर सिंह जी चौहान साहब का, हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश भैया का, आदरणीय डॉक्टर साहब का, आदरणीय अशोक भैया का, राम सिंह जी हमारी बहन साधना जी, और अशोक मालवीय जी लोकप्रिय हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी, और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे युवा मोर्चा में इस योग्य समझा कि महामंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में मैं काम कर सकूँ। मित्रों, आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष होगा और लगातार चुनाव है, लोकसभा विधानसभा लोकसभा नगर पालिका ग्रामीण में हम सब कार्यकर्ता ग्रामीण के भी हैं, तो पंचायत जनपद मंडी के होने वाले हैं, हम सब के लिए चुनौती का वर्ष है और ये दायित्व निश्चित रूप से चुनौती वर्ष चुनौतियों का भरा हुआ है। आज माननीय विधायक जी ने और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा, युवा मोर्चा की एक ही संकल्पना है कि 1 बूथ 10 यूथ, एक बूथ पे 1 मतदान 10 जवान की जो संकल्पना थी, निश्चित रूप से युवा मोर्चा उसको पूरा करने का प्रयास करेगा और प्रत्येक पोलिंग बूथ पे युवाओं की एक नई फौज खड़ी करने का प्रयास हम करेंगे। और निश्चित रूप से युवा मोर्चा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जो पार्टी ने एजेंडा जो दिया है उस पर काम करने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की एक नई पोत तैयार करने का काम करेंगे। जितने युवा कार्यकर्ता चाहे विद्यार्थी परिषद से आते हों चाहे युवा मोर्चा से आते हों, वो हमारी विचारधारा से जुड़ते हैं, और इसलिए जो 10वीं के बाद के लड़के हैं, जो छात्र हैं या 10वीं के बाद के हमारे जो छात्र कार्यकर्ता गाँव में हैं, उनसे हम सब संपर्क करेंगे और निश्चित रूप से नई पीढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के संस्कार डालने का हम प्रयास करेंगे, ऐसा मैं कोशिश करने वाला हूं। और निश्चित रूप से हम सब वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से ये प्रयास हम करेंगे। पुनः आप सभी मित्रों का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान करवाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।